हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई कल करवाया था हमने सेटिंग अपने कपड़ों की, तो आज कपड़े निकाल लेते हैं। ओए होए भाई, आराम से। वैसे मेरी आदत पता क्या है, जो ऊपर पड़ा होता है ना वही उठा के निकाल लेता हूँ। भाई बहुत सही लग रहा है, अब ऊपर से निकाल लो कपड़े। अंदर तक तो हम जाते ही नहीं है, कपड़े कौन निकाले, ऐसे ही रह रहेंगे अभी। ऊपर ऊपर जो निकलते हैं ना वही पहनता हूँ मैं, और जो धो के रख दिए ऊपर वो उठा के बस वही पहन लिया मैंने। मैं अब कोशिश करूँगा अंदर से भी निकाल के पहनूँ, ठीक है? पहले साइकिलिंग के लिए निकलता हूँ, फिर आके नहा लेता हूँ, है ना? ये कर लेता हूँ। हाँ नहाऊँ क्यों मैं अभी, पहले साइकिलिंग पे जाता हूँ। सही करा, चलो चलो मैं आ रहा हूँ। चलो फिर निकलते हैं। बड़े दिनों बाद भाई, बड़े दिनों बाद भाई मैं निकल गया हूँ। आज बहुत दिनों के बाद साइकिलिंग की है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज थोड़ा लंबा राउंड मार के आएंगे। लाइटें देख रहे हो, 120 की थी ये। चंडीगढ़ में यार लाइटों की बड़ी दिक्कत है। साइकिल लेना है, भाई ठंड बहुत हो गई है। जरूरी काम होता है तभी घर से निकलो, मेरी तरह ये साइकिलिंग करनी है तो ना। सच में इन दिनों ना ठंड बढ़ गई है, अब आगे पता नहीं कब तक जाएगी। मुझे खुद को फील हो रही है। चंडीगढ़ में ना ये बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो गाड़ियों के लिए वो रोड है और साइकिल के लिए ये वाली लेन है। भाई ये जो पेड़ है ना, ये भी बहुत पुराने पुराने लगे हुए हैं चंडीगढ़ में। जड़े देखो इसकी, ये देखो। आज मैं ना आपको ब्यूटीफुल ग्रीन चंडीगढ़ का एक व्यू दे रहा हूँ साइकिल पे। ये धक्का लगा के चला रहे हैं भाई लोग यहाँ पे, तो भाई रोकनी पड़ेगी साइकिल। साइकिल चलाते हुए ना एक हाथ से दिक्कत हो जाती है व्लॉगिंग करने में। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ना GoPro लगा लूँगा नेक्स्ट टाइम, कभी GoPro है मेरे पास, यहाँ पे माउंट कर लो या चेस्ट पे माउंट कर लो, वो बेटर रहता है। चलो अंकल जी निकालो, खींचो। हाँ देखो भाई, चंडीगढ़ की इस रोड पे कुछ अलग सिस्टम किया हुआ है साइकिल वालों के लिए। यहाँ पे हम साइकिल चला सकते हैं और वहाँ पे टू व्हीलर फोर व्हीलर चलेंगे, यहाँ पे साइकिल सही है ना। इस चीज़ के लिए तो चंडीगढ़ को दाद देनी पड़ेगी भाई। भाई यहाँ पे मैं ना रुक गया, अब क्यों रुक गया मैं आपको बताता हूँ। ये चंडीगढ़ में जितने भी ये पेड़ है ना चलते आ रहे हैं, आप देख रहे हो ये जिनकी जटाएँ सी आ रही हैं बाहर, कितने बड़े बड़े जड़ें निकली हुई हैं इनकी। ये कम से कम 70 से 100 साल पुराने होंगे। और आपको पता है इस पेड़ का नाम क्या है? इस पेड़ को बोलते हैं जैसे आम फलों में राजा होता है ना, ये पेड़ पेड़ों का राजा है, मतलब वृक्षों में ये पेड़ राजा है। इसका नाम है पाखड़, पंजाबी में कुछ लोग पिलखन भी बोल देते हैं, इसको पाखड़ बोलते हैं, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। और सरस्वती नदी का उद्गम इसी से हुआ था, इसी पेड़ से हुआ था कुरुक्षेत्र में। तो चलते हैं अब। मैंने कहा आपको बता दूँ ये चीज़ भी, चंडीगढ़ में पाखड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा है। किसी को पता नहीं, पता होगा नहीं पता होगा, मैंने कहा आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, क्योंकि मुझे पता था तो इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है? ये पाखड़ पेड़ है सारे चंडीगढ़ में जो साइड में लगे हुए हैं, और बहुत ही मजबूत पेड़ होता है। तो चलो भाई चलते हैं। मैंने कहा ये रुक के बता दिया जाए आपको, इसलिए मैंने साइकिल वहाँ पर रोक ली थी। भाई हम साइकिलिंग करते करते आ गए हैं सुखना लेक के पास, यहाँ पे साइकिल रोक दी मैंने। मैं तो आपको ऐसे दिखा देता हूँ, वैसे तो फिर कभी आऊँगा आपको दिखाने के लिए पूरा व्यू, लेकिन ये भाई सारी अपनी सुखना लेक चंडीगढ़ की। ओ भाई अभी तो दिख भी नहीं रही होगी, शाम हो रही है ना, सही लग रही है ना। बस ऊपर ऊपर से देखता हूँ आपको एक व्यू, बस निकलते हैं अभी यहाँ से। काफ़ी टाइम हो गया मेरे साइकिलिंग करते हुए, इतनी दूर से आ रहा हूँ मैं। ऐसी लगा दी साइकिल मैंने विदाउट लॉक। चलो भाई अब निकल रहा हूँ सुखना लेक से, इसका आपको व्यू मैं दूंगा एक दिन, फुल व्यू। अभी तो शाम का टाइम है, अभी तो मैं दे नहीं पाऊँगा, लेकिन फुल व्यू दूंगा आपको इसका मैं, बहुत बढ़िया है। आप लगने लगी मुझे भूख, अब चलते हैं घर पे। एक्चुअली आज मैं थोड़ा लेट निकला था घर से, और वीडियो भी थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। वो इसलिए किया क्योंकि सुबह गया था मामों के साथ, थोड़ा ऑफिशियल काम था, और जहाँ पे गया था वहाँ पे कैमरा तो गया, फ़ोन भी नहीं अलाउड था, और वीडियो बनाना तो आप समझ ही सकते हो। बस फिर जैसे घर पे आया चेंज वगैरह करके फटाफट से मैं साइकिलिंग के लिए निकल गया। चंडीगढ़ में साइकिलिंग करके ना मज़ा आ जाता है यार, जहाँ मर्जी तक निकल जाओ। चंडीगढ़ में, सिर्फ चंडीगढ़ में, मैं जीरकपुर तक गया हूँ,
15 नहीं गया, 15 से पहले ही वापस आ गया था, अभी सुखना लेक तक आया हूँ। तो चलो भाई अब चलते हैं घर पे। और भाई मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, साइकिल लेन में चलना कंपलसरी है, जो रोड के दूसरी साइड चलते हैं और रूल्स नहीं फॉलो करते फिर भाई पता ही है, साइकिल लेन में चलना कंपलसरी है। ये जो भी साइकिल चलाए चंडीगढ़ में, ये जो साइकिल लेन है ना, इसमें चलना साइकिल वालों को जरूरी है। तो ठीक है भाई, मैं घर पे आ गया था, मैंने खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद मैं एडिटिंग करने बैठा था, उसके बाद भी एक दो काम थे, मैं गया था, वो काम किए मैंने, तो बस एडिटिंग करने के लिए बैठ गया हूँ। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ यार, टाइम देखो 1 बज गया यार, डेली लेट हो जाता हूँ मैं सोने में, अभी भी एडिटिंग करने जस्ट बैठा ही हूँ। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं कल नए व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहना, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।